Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से हम क्रिस्टल पैलेस पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि हमें ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाएगा। सुल्तान यूनान ने एक ट्रायल रखा ताकि फैसला कर सके कि असली सुल्तान करीम है या फिर शाहजमान। दुनियाजाद ने इसमें भी मैजिक यूज किया और करीम अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सच सबके सामने आ ही गया। क्या वो वापस आएगा यहाँ? कौन? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उस बात पे यकीन नहीं कर सकता। उस्मान गद्दार नहीं हो सकता, ये झूठ है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन अगर ये सच हुआ तो इस पैलेस के गार्ड्स को नए कमांडर की जरूरत होगी। भले वो गद्दार ना हो लेकिन कैप्टन अच्छा नहीं था। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग को छोड़ो, तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? मैं हूँ चीफ थीफ और गोल्डन की मेरे पास है जो दुनिया जात से चुराई गई थी। हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अरेस्ट करो मुझे, महल में लेकर जाओ मुझे हथकड़ियां लगा के। अलादीन, तुम्हें उस शख्स के बारे में कुछ तो याद होगा जिसने तुम पर हमला किया। मुझे तो बस इतना ही याद है कि वो बहुत तेज सांस ले रहा था और वो क्या इस तरह। तुम तो ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा लगा मुझे एक बार फिर आपसे मिलके मैडम दुनियाजात। अगर तुम्हारे पास गोल्डन की है तो उसे मुझे दे दो, वरना सर कलम करवा देंगे सुल्तान तुम्हारा। जबरदस्त ऑफर है, कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। पैसा चाहिए, पैसों के बगैर कुछ नहीं होता, आप तो जानती हैं। What? कैसे सो चाहिए? फौरन इसकी तलाशी लो और ले लो चाबी। तो क्या फिर बिजनेस की बात कर ले हम लोग? और हाँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तकरीबन मेरी हड्डी टूट गई थी। और हाँ, याद आया, क्या? वो उसकी दाढ़ी लंबी और लाल थी। थीफ? लेकिन उसे गोल्डन की क्यों जरूरत होगी? हमारी डील नहीं हो सकती, मुझे मेरी चाबी दो। दुनिया जाद, आपसे कुछ गलत हो गया है, काफी गुस्से में लगता है ये। गोल्डन की के अलावा और भी बहुत कुछ है, वैसे क्या ख्याल है आपका उस नीले मॉन्स्टर और उसके साथ उस छोटी सी लड़की के बारे में? और बताइए ना। ये निशान, ये चीफ थीफी है यकीनन। ओके, हमें उसे ढूंढना होगा और उससे की वापस लेनी होगी। यस, मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर उसकी गार में जाना होगा। पुराने चोरों का ट्रिक है, आप जिसको फंसाना चाहते हैं उसे सोचने पर मजबूर कर दें कि वो आपसे ज्यादा होशियार है। हमें और नहीं बताओगे? आप बाबा से बात क्यों नहीं करते? वो आपकी मदद के लिए अपने सिपाहियों को साथ भेज देंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जनान, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। उस्मान, तुम्हारा इन लोगों के साथ रुकना बेहतर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे गोल्डन सिटी वापस जाना चाहिए मेरे सुल्तान। लेकिन उस्मान, वहाँ पर तुम वांटेड हो, अगर तुम गिरफ्तार हो गए। उस्मान, तुमने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता,
इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोकूंगा। वो मेरा ठिकाना जानते हैं और वो वहीं जा रहे होंगे। क्या किया तुमने? तुम सारे बकलावे खा गए। तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो? हमें कब बताओगे? वेरी सिंपल, मैं चाहता हूँ कि 40 चोरों को माफ कर दिया जाए और मुझे कोई काम चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं, बस मुझे सुल्तान बना दिया जाए कहीं का भी। अच्छा, तो फिर तुम क्रिस्टल सिटी ले लो, ये अच्छा है। लेकिन आपने तो कहा था कि वहाँ का सुल्तान मैं बनूंगा। डील पक्की हो गई? क्या पक्का हो गया? मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया। तो फिर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए मेरे मेहमानों के आने से पहले। कारपेट। वेल, मेरा ख्याल है मुझे रुकना चाहिए जब तक मैं कुछ खा लूंगा। गार्ड्स, बकलावा पेश किया जाए। क्या कोई है? हेलो, ये जगह बहुत पुरसुकून है, लेकिन यहाँ मुझे डर भी लग रहा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। जमाल, तुम यहीं रहना, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें ट्रैप कर रहा है। हो सकता है। हलील, आपको बहादुर बनने की जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन सिर्फ इस्लाम के अंदर रहेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर जाकर चेक करना चाहिए। हाँ, अंदर जाकर चेक करूं, और वो भी मैं? हाँ हलील, यही प्लान है। ये कैसा प्लान हुआ? ये तो मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। प्लीज हलील, आप ये कर सकते हैं। हाँ, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहादुर हूँ। खुल जा सिम सिम। जल्दी करें। अगर मैं वापस ना आया तो समझ जाना कि उसके कसूरवार तुम दोनों होगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ। मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ, लगता है मेरे अलावा कोई और भी है। मैं चला। हमारी जो डील हुई है उसे याद रखना, वरना मैं तुम्हारे साथ। मैं यकीनन एक चोर हूँ, झूठा हूँ, झूठ बोलता हूँ, लेकिन डील करके कभी धोखा नहीं देता। हमें जल्दी की ढूंढ के यहाँ से निकलना होगा। जाहिर है हम यहाँ घूमने तो नहीं आए। बंद हो जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान बहुत ही शानदार है। ओह, यहाँ पर जितने भी हाइडिंग स्पॉट्स थे हमने हर जगह देख लिया है। कहीं उन्होंने इस जादुई संदूक के अंदर तो नहीं डाल दिया? चेक करता हूँ। ये हो सकता था, लेकिन चोरों को मैजिक से डर लगता है, तो इसमें नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर की चीफ के पास होनी चाहिए, लेकिन वो है कहाँ? यही है। हाँ यही है। निकलते हैं, चलो यहाँ से। कहाँ भाग गए? खुल जा सिम सिम। कुछ ठीक नहीं लग रहा। हलील, याद है तुमने क्या कहा था? ये एक ट्रैप हो सकता है। हाँ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, खुल जाओ प्लीज। कुछ करना पड़ेगा। ये कौन है? मैं समझ गया। हाँ, हम लोग ट्रैप हो गए हैं, यानी मैंने ट्रैप का ठीक कहा था।
हम फंस चुके हैं। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर उस्मान यहाँ पर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। है बिल्कुल ऐसे ही तस्वीर वाला शख्स, वो देखो। अब हम क्या करें? रुक जाओ उस्मान और खुद को सरेंडर कर दो। क्या हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? अगर तुम अब भी उस गद्दार सुल्तान शाह ज़मान का हुक्म मानते हो तो कर लो गिरफ्तार मुझे। अरे हाँ याद आया, आप तो गद्दार हैं। अब आप गार्ड्स के कैप्टन नहीं है, गद्दार हैं, और गद्दारों का ठिकाना कैदखाना होता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं देख रहा हूँ किस कदर बेवकूफ हो तुम सब के सर। हलील, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सके? इस कैप से हमारा काम हो जाएगा क्योंकि जो इसे पहने वो गायब हो गई हमारी मुश्किल आसान। हम तीन हैं और इसे कोई एक ही पहन सकता है। ठीक है, तो क्यों ना हम एक साथ पहने इसे। हाँ, कुछ तो काम का होगा इस बॉक्स में, ठीक से देखें। अब उनके भागने के लिए कोई जगह नहीं, चलो तैयार हो जाओ। रुको, मुझे लगता है कि तुम मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। हाँ, मेरा कमाल नहीं देखोगे। चलो इनको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। स्वीट ड्रीम्स। करीम, तुम्हें लेवेंडर की खुशबू आ रही है? किसकी? लेवेंडर की? ओह हाँ, बिल्कुल उसी की खुशबू है। सही कहा तुमने, लेवेंडर और कैमोमाइल भी है। ओह, मुझे नींद आ रही। मुझे लगता है थोड़ा आराम मुझे भी कर लेना चाहिए। ये क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, उठो। और मेरी बात दोनों गौर से सुनो। ये धुआं मुझ पे असर नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने लंबी सांसें ली फिर तुम दोनों को उठाने के लिए थप्पड़ मारने पड़ेंगे मुझको। तो फिर हम क्या करें? सांस नहीं लेनी। इस धुएं को मुंह में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन अगर तुम जादुई इलायची खा लो तो कुछ हो सकता है। क्या कहा? जल्दी करो, लेकिन मैं अपना काम अपने टाइम के हिसाब से करता हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर इन तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम सबको। लेकिन हम आप पे यकीन क्यों करें? क्या मैंने कभी कोई झूठ बोला? बोला तो नहीं कभी। असली सुल्तान प्रिंस करीम अभी भी जिंदा है। और तुम लोग उसके जालिम भाई की खिदमत कर रहे हो जैसे। शायद तुमने मेरा नाम लिया, देखो मैं आ गया। कहाँ गई? किधर? यही तो रखी थी इलायचियाँ, किधर गई? ओह, जल्दी करो हलील, मिलने वाली है। अरे वाह, जादुई नक्शा। मैजिक मैप में खुशामदीद। आप किसी भी एक डेस्टिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं, और गौर से सुनिएगा, जवाब रिपीट नहीं किया जाएगा। इसकी मदद से तो हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, क्या स्ट्रीट तक भी? प्लीज बताइए कि ट्री ऑफ लाइफ कहाँ है। अब आपको ट्री ऑफ लाइफ की लोकेशन दिखाई जाती है। करीम, द लॉस्ट टेंपल, क्या ये सच है? ट्री ऑफ लाइफ कहाँ है ये बताओ। हाँ, ये है वो जगह जहाँ आपको ट्री ऑफ लाइफ मिल जाएगा। हमने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया और ये हमारे ट्री ऑफ लाइफ है, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। हम जीत गए। ये फिर सो गए। इन लकड़ियों को हटा दो। खुल जा सैम से। ये रहा मॉन्स्टर और ये रही लड़की। लेकिन वो चाबी कहाँ है? ये रही और मेरी डील पूरी हुई। पर
गली। तो बताइए कब जाऊं मैं क्रिस्टल सिटी में, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, करना पड़ेगा क्योंकि कामयाबी बस कुछ कदम ही दूर है। Well done, मैं तुम दोनों की प्रमोशन करूंगा। तुम नेक्स्ट टाइम जंग में सबसे आगे खड़े होगे। एक मिनट, क्या कहा हमने? नो, हमें तो अपने इनाम का कहा था। ऑफ कोर्स मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है जो इस्तेमाल करना है इसकी गर्दन पर, और वो ये है। सोच क्या रहे हो? इस शख्स ने धोखा दिया है मुझे, गद्दार है ये। इसकी वजह से माय डार्लिंग ब्रदर इज डेड। मैंने प्रिंस करीम से बात की आज सुबह ही, मॉन्स्टर की हालत में भी वो बहुत अच्छे से पेश आए। नो, तुम झूठे हो और हम सच्चे। अब तक तो करीम को चीफ थीफ ने पकड़ लिया होगा, इसलिए सुल्तान नहीं रहूंगा। सुल्तान? आपने क्या कहा? करीम? हाँ, इन्होंने कहा कि करीम को पकड़ लिया होगा। मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा कि वो मॉन्स्टर, वो करीम नहीं, उसे चीफ थीफ ने पकड़ लिया होगा अब तक। इस गद्दार को फांसी होनी चाहिए, मेरा हुक्म है ये, जल्दी इसे लटका दो। अगर हम ऐसा ना करें? मैं आकर सुल्तान हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। इनको खाना नहीं है, दोनों समझ गए? ओ, हारून खालिद का निशान। देखते हैं इसमें उन्होंने क्या जादू छुपा के रखा है। रुक जाओ, आप इसे यहाँ पर नहीं खोल सकती। अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी है तो इसे उठा कर ले जाइए, मैं वैसे ही इससे हजारों मील दूर रहना पसंद करता हूँ। फिर तो आप यहाँ से चले जाएं। मेरा जादुई खजाना। हारून खालिद की खास जादू इलायची। हाँ, बहुत काम आएंगी। और क्या क्या है इसमें? मैंने इतना ढूंढा फिर भी नहीं मिली, और उसने यूं ढूंढ ली, लेकिन शुक्र है इसको जादुई नक्शा नहीं मिला। मैजिक मैप। मैजिक मैप में खुश आमदी। आप किसी भी एक डेस्टिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं, और गौर से सुनिएगा, जवाब रिपीट नहीं किया जाएगा। तो बताओ मुझे, ट्री ऑफ लाइफ कहाँ है? ये डेस्टिनेशन पहले ही बताई जा चुकी है, रिपीट नहीं की जाएगी। अच्छा तो ट्री ऑफ लाइफ इस वक्त कहाँ पर है, बताओ मुझे? ये डेस्टिनेशन पहले ही बताई जा चुकी है, रिपीट नहीं की जाएगी। हाँ, थैंक यू। यकीनन शेरजाद ने पूछा होगा। मैं तुम्हें इलायची खिला रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरे हाथों में मत काटना। बताओ ट्री ऑफ लाइफ कहाँ है, वरना मैं तुम्हें भी फोल्ड करके इस बॉक्स में डाल दूंगी, फिर ढूंढती रहना खुद को। I'm sorry, आपका सवाल समझ में नहीं आया। ये लोग क्या भाग गए? नजर रखने के लिए कहा था ना मैंने उन पर। कहाँ गई वो? और वो मॉन्स्टर? वो लोग भागने ना पाए। लेकिन गोल्डन की तो दुनिया साथ के पास है। हमें की मिल जाएगी, मेरे पास एक प्लान है। रुक जाओ। ये क्या? शाबाश जमाल।
वापस आओ यहाँ, हमारी डील हुई थी। मुझे लूटा गया है। शेरजाद, गोल्डन की। क्या अब तक तुम नहीं समझे कि गोल्डन की हमारे पीछे आ रही है? ये बेवकूफ अपने पीछे देख ही नहीं रहे। तुम तैयार हो शेरजाद? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मैं तैयार हूँ। तुम क्या समझती हो, गोल्डन की हासिल करके तुम जीत जाओगी? जीतोगी तब जब वहाँ पहुँचोगी। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था यहाँ। इसको छोड़ो, की उसने की छीनो। तुम्हें ना मॉन्स्टर बनाया था ना मुझे दुनिया जात। जमाल, चलो शेरजाद के पास। सुल्तान करीम, ये आपके लिए। शुक्रिया शेरजाद, बस अब हम लोगों को ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचना है। हमने कर दिखाया, हम कामयाब हो गए करीम। वो सब भाग गए, नहीं पकड़ पाए उन्हें। बातें मत बनाओ एम्स, और काम पर ध्यान दो। हमें पीछा करना होगा उन लोगों का। जाओ, ऐसा करने से तुम्हें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाएगा। क्या आप भी हमारे साथ चलेगी मार्केट? नहीं, पहले मुझे अपनी मॉम के खुफिया हथियार को हासिल करना होगा, जिससे मैं तबाही और बर्बादी फैला कर एक अजीम जादूगरनी बन जाऊंगी मॉम की तरह। पीछा करो इससे पहले कि देर हो जाए, माय लिटिल एम्स। फतह बहुत ही करीब थी, लेकिन दुनिया जात के पास अभी भी एक खुफिया हथियार था जो दुनिया पर एक ऐसी बुराई ला सकता था जो हम सोच भी नहीं सकते, और हम में से कोई भी इतना मजबूत नहीं था जो उसे रोक सके। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहां हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुल्क जैसे मिटाए, आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। मदद करेंगी। 40 चोरों के थीफ ने गोल्डन की ले ली, और की को वापस हासिल करने के लिए हम उसकी गार तक पहुंचे, जहां हम दुनिया जात के जादू का शिकार हो गए। मगर हलील की मदद से हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अब हमें किसी भी तरह लॉस्ट टेंपल तक पहुंचना है। फाइनली हमारे पास है गोल्डन की, और ट्री ऑफ लाइफ भी करीब है हमारे। ये पोर्टर यहाँ कैसे? वो हमारी तरफ आ रहा है।
इस वक्त हम लोग मुश्किल में नहीं फंसना चाहते, छुप जाते हैं। चलो ये यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है इसे दुनियाजाद ने भेजा हो हमें ढूंढने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। हा? पानी से करीब रखना मुझे, बहुत प्यासा हूँ मैं। डॉक्टर डुबान, आपने हमें कैसे ढूंढा? मेरे जासूस हर जगह फैले हुए हैं, और जब बात हो ट्री ऑफ लाइफ देखने की तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, बताओ जरा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए डॉक्टर डुबान। शाहजमान उठो, तुम सो क्यों रहे हो? रुक जाओ, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? तुम अपने होश में तो हो ना? इस सल्तनत के असली सुल्तान करीम के लिए। क्या? असली सुल्तान करीम? शाहजमान, मैं तुम्हें छोड़कर क्या गई कि तुम गायब हो गए? यकीनन इसके पीछे वो गद्दार उस्मान है। 19, 20, अब तो खुश हो ना पोटर। ओह प्लीज, आप मुझे पोटर कह के मत बुलाएं। इस सब के बाद मुझे मजीद पोटरी की जरूरत नहीं। तो अब वक्त है ट्री ऑफ लाइफ जाने का। चलो इनका पीछा करें कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये सब बर्बाद कर दिया? सिमिलर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी यही था। कहाँ गया? हो गया? कौन ले गया? चोरी करने वाले को देखना छोड़ूंगी नहीं। Don't touch me! शुक्र है दुनियाजान, आ गई तुम। उस्मान के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया है महल पर। मेरे शाहजमान, ठीक हो तुम? मैं तो डर गई थी। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मां की निशानी को संभाल के रखा। दुनियाजान, वैसे इसमें ऐसी क्या खास बात है? इस ब्लेड का ताल्लुक है डार्केस्ट ऑफ डीमंस से, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया के सारे डीमंस को अजाद करवाना। ये ट्री ऑफ लाइफ को काट डालेगा तो सबसे ताकतवर डीमन आजाद हो जाएगा और मेरी गुलामी करेगा। आपके लिए खबर है मालके, हमने पीछा किया उनका और हमने उन्हें ढूंढ लिया। तो अब चलिए हमारे साथ। तुम यहीं रुको। लेकिन उस्मान के सिपाही अब मार देंगे मुझे, और गोल्डन सिटी के लोग भी हमें नहीं बचाएंगे शायद। हम इतने खुशकिस्मत कहाँ? क्या किसी को कुछ दिखा? कुछ भी नहीं देखा। सही, कुछ भी नहीं। ओरिकल ने ये साफ साफ कहा था कि वो एक मिस्टिक पोर्टल जैसा है। तो इसका मतलब है, हो सकता है कोई जादुई दरवाजा हो। सब लोग मैजिक का कोई साइन तलाश करें। यहाँ है मालकिन। हाँ, जल्दी करें। हाँ। उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए अंदर जाओ। ये दीवार आप पहले ही 3 बार चेक कर चुकी हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं, हो सकता है ये भी वो जगह नहीं है। क्या तुम्हारे हाथ में जो नजर आ रहा है वो लैंप है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप हलील? ये तुम्हारे हाथ में जो है, देखो ये चमक रहा है। इसका मतलब है दरवाजा करीब है। हाँ?
पे कुछ लिखा हुआ है। ये तो कुछ शायद, हाँ रास्ता दिखाओ हमें। ए लेके बैग। शहजाद की जल्दी करो। अच्छा ये है। करीब ये ट्री ऑफ लाइफ कितना खूबसूरत और चमकदार है ना। ये है ट्री ऑफ लाइफ, ये तो मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है। ओके, हम यहाँ आ गए, चलो आगे बढ़े। जान छूटेगी इस मॉन्स्टर से। तुम लोगों का शुक्रिया, मुझे खुद ही पहुंचा दिया ट्री ऑफ लाइफ तक। ट्री से दूर हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि ट्री ऑफ लाइफ कटते हुए कैसा लगता है शेरजाद। शाहजमान कहाँ है? वो भी अब तुम्हारे साथ शामिल नहीं होगा, जानता हूँ। तख्त पर आराम कर रहा होगा और क्या। ये और बात है कि उसकी फौज ने उसे तख्त से हटाना दिया हो। प्लीज हमें फौरन महल जाना है और उस्मान को ये हुक्म देना है कि शाहजमान को छोड़ दे, वो अब भी मेरा भाई है। ये बहुत बड़ी गलती होगी। करीम इस पे बिल्कुल रहम नहीं खाना, छोड़ा नहीं से। वो शाहजमान अब मेरे किसी काम का नहीं है। तुम दोनों फॉरन गोल्डन सिटी जाओ, इन लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ। देखो वो किसी भी सूरत बचना नहीं चाहिए। क्या उसे खा ले हम? हजम कर सकते हो तो खा लो उसे। तो क्यों ना इस खेल को आप खत्म करें। बहुत जल्दी जगह मेरी होगी। आपके बाबा का बहुत शुक्रिया कि हमें सफर के लिए जहाज दिया। अगर मेरे पुराने अमले ने मुझे इस जहाज में देखा तो कहे। वो क्या चीज थी? डीमंस, ये दुनिया जात नहीं किया होगा। ये तो काफी खतरनाक लगते हैं। ओह, कितने भी खतरनाक हो, हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है सिंबाद दी सेलर। जाहिर है, सिंबाद और उसके दोस्त। अब जल्दी से हमें गोल्डन सिटी ले जाओ सिंबाद। हाँ, मैं बस आपके ही हुक्म का इंतजार कर रहा था।
शहरियों की, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। सारा ख्याल से। क्यों मैं हमेशा दुनिया जात की बातों में आता रहा? मैं यहां से जा रहा हूं। हमारा खाना तैयार है, खाएंगे तुम्हें आज। मालकिन ने खाने की इजाजत दे दिया। कोई मुझे बचाए। छोड़ दो मुझे प्लीज। हम तुम्हें खा जाएंगे। दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई शाहजमान। कहीं जा रहे हैं या रास्ता भूल गए हैं अपने तख्त का? अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। प्लीज प्लीज। हम आपको यहाँ बचाने के लिए ही आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भाई का शुक्रिया अदा करना होगा। हाँ बिल्कुल करूँगा, प्लीज मुझे बचा लें। प्लीज। किस कदर बदसूरत शक्ल का है ये, मेरी तरफ क्यों आ रहा है? शुक्रिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आप इस विलन की जिंदगी क्यों बचाना चाहते हैं? हाँ, मजबूरी है। इस तरह इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम पर रहम किया जा सकता है, सारी जिंदगी मान सही रहो। दुनिया मेरे कष्ट में है। शेरशाह, मुझे मरने दो। शेरशाह, शेरशाह ये आखिरी पल है, इसे खाओ। नहीं, ये तुम खाओ, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी फिक्र मत करो, ये लो, सुल्तान के हुक्म को मानो। मैं आखिरी दफा करीम का असल चेहरा देखना चाहती हूँ, प्लीज। शेरशाह ये देखो, मुझे एक और फ्रूट मिल गया, अब हम दोनों बच सकते हैं। पहले तुम। नहीं पहले तुम, जल्दी प्लीज। इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वेलकम बैक शेरशाह। ओके, तुम्हारी बारी।
चलो अब जल्दी से ये जादू खत्म करें। किसका इंतजार कर रहे हो? इसका मतलब फ्रूट एक ही था? अब हम क्या करेंगे करीम? यह एक और फ्रूट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक और चाहिए, एक और तो हो सकता है ना? शेरजाद, इसे रहने दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, तुम्हारे बगैर ठीक हो जाने का फायदा क्या होता? पूरा शहर तबाह हो गया, हर चीज तबाह हो गई। भाई रुक जाओ, तुम जिम्मेदार हो इस सबके। उस्मान, नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। यहाँ के असल सुल्तान करीम का हुक्म है कि उनके भाई को कुछ ना कहा जाए, छोड़ दिया जाए। आपका भाई करीम मुझसे कहीं ज्यादा रहमदिल है। इस झूठे सुल्तान शाह जमान को सजा हम नहीं देंगे, प्रिंस करीम खुद ही देख लेंगे। तुमने एक बहुत बड़ी बेवकूफी की है, जानते हो ना? अच्छी तरह जानता हूं, दोस्ती में ऐसा सब होता है। शेरजाद, वो देखो। कैसे हो गया? हाँ वाकई। डरो मत सिपाहियों, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलो बाहर चले सिपाहियों, एक बहादुर की तरह। भागो, चुप जाओ। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सब तबाह कर दिया था। मुझे तो बिल्कुल जिंदा नजर आ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबसे बदला लूंगी, देखना। जल्दी आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। सुल्तान करीम, आपके लिए यहाँ बेशुमार फ्रूट्स अवेलेबल हैं। क्या वाकई ये मैं हूँ? करीम! कहते हैं कि हर अच्छे जादू की सोर्स ट्री ऑफ लाइफ है, मगर आज मालूम हुआ कि ट्री ऑफ लाइफ को क्या चाहिए? दोस्ती और प्यार।
सचमुच। गार्ड, गार्ड, मैं तैयार हूँ ऑर्डर करने के लिए। प्रॉन्स बिरयानी मंगाई जाए तो कैसा है? यम्मी। ओह, बासी ब्रेड। ये सुल्तान के साथ कैसा सुलूक हो रहा है? सुल्तान तो देखो जरा। तो सुल्तान, अब आगे क्या होगा? मेरे ख्याल में सल्तनत की हिफाजत, उसे बुराइयों से महफूज रखना, गद्दारों और दुश्मनों से लड़ना, दूर दराज इलाकों तक सफर करना, गरीबों को इंसाफ दिलाना, अब ये सब जिम्मेदारियाँ मुश्किल हैं। तो अब तक जो कुछ हुआ वो सब आसान था क्या? हाँ, वैसे ही लगता है। ओके, जैसे कहा। तो ये कहानी की हैप्पी एंडिंग थी या फिर एक नई कहानी की बिगनिंग, हम नहीं जानते, क्योंकि हमेशा एक एडवेंचर आसपास रहता है। लेकिन ये कहानियाँ मैं आपको एक नए दिन सुनाऊंगी।